हालेलुया, स्वागत है आप सब का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आग कब उतरती है, जैसा कि पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 18 उसकी 38 और 39 आयत में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर आग उतारकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वह अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। लेकिन आपकी वेदी पर आग कब उतरती है? जब हम पहला राजाओं की किताब में एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने देवता से प्रार्थना करो और मैं यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और जो आग उतारकर उत्तर देगा वही जीवित परमेश्वर होगा। उन्होंने वेदी बनाकर उस पर बलियों को रख दिया। बाल के पुजारी पुकार पुकार कर और पीट पीट अपने देवता को पुकारते रहे लेकिन कोई आग नहीं उतरी। लेकिन एलिया ने पहले अपनी बलि को पानी में डुबाया। मेरे प्रियो, एलिया भी जानता था कि जब तक बलि बपतिस्मे के नीचे नहीं आएगी तब तक परमेश्वर की आग उस पर कभी नहीं उतरेगी। इसीलिए एलिया ने अपनी बलि को पानी में डुबाया और फिर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने आग उतार कर उसको उत्तर दिया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप पर भी पवित्र आत्मा की आग उतरे तो उसके लिए आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आज लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में भी ऐसी आग उतरे, उनके जीवन में भी बड़े बड़े चमत्कार हों, परंतु क्या शराब और सिगरेट पीकर, व्यभिचार करके, दूसरों का बुरा करके और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर वो आग आपके जीवन में उतर सकती है? कभी नहीं, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 15 आयत में परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका मतलब है कि अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। पाप का इनकार करके अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करेंगे और फिर आप साबित करेंगे कि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं पर वे उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। लोगों को पता है कि लंगर प्रसाद नहीं खाना पर वे खाते हैं। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की आग उतरेगी? मेरे प्रियो, एलिया पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित था। उसी तरह आपको भी बनना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आग आपके जीवन में उतरे तो परमेश्वर का पीछा करें। संसारिक और शारीरिक चीजों की अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर के राज्य की खोज में रहें। ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना और उपवास में बिताएं। तब परमेश्वर की आग आपके जीवन में उतरेगी और आपके जीवन में ऐसी आशीषें आएंगी जो आपने कभी नहीं सोची होंगी। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने सारे पापों को छोड़कर अपने आप को पूरी तरह से आपके लिए समर्पित करता हूँ ताकि मेरे जीवन में आपकी आग उतरे और आपके बड़े बड़े काम प्रकट हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। परमेश्वर आप सब को आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।